जहन्नमी 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 जहन्नमी। कोई कह रहा है इंसान की बच्ची लग रही है दुपट्टे में, दुपट्टे के बगैर भी मैं कुत्ती नहीं लग रही होती। राखी, हाथी को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, कोई मशहूर होने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और कोई व्यूज के लिए अपने ही टोटे लीक कर रहा है। इसी तरह कोई सादा लोग आवाम को बेवकूफ बनाकर मशहूर हो जाता है और कोई मशहूर होने के चक्कर में अपनी ही बेइज्जती करवा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कैमरे पर रिकॉर्ड होने वाले कुछ फनी और इंसल्टिंग मोमेंट्स दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आजकल एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया है। पाकिस्तानी टिकटॉकर्स व्यूज के लिए पहले खुद अपनी गंदी वीडियोस लीक करते हैं, इसके बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हमारी किसी ने फेक वीडियो लीक कर दिया है, हालांकि वो वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं होती और इन्हें जानबूझकर लीक किया गया होता है। मनाहिल मलिक ने भी यही भोंगी मारी है। रुको जरा, सब्र करो। नजीबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक हैं, और ये जिसने भी वेक अप टू रियलिटी तुम्हारे अपने वीडियोस वायरल कर दूंगी, ये बात तुमने दिमाग में बिठा लेना। 12 से 1 बजे के दरमियान, और अगर नहीं होते तो 12 से 1 बजे मैं तुम्हारे अपने वीडियोस वायरल कर दूंगी। ससुर, कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। अब जरा पाकिस्तानी टीवी शोज का हाल भी देख लें, जहां पर हर वक्त डबल मीनिंग बातें ही होती है। अब मतीरा का शो है तो इसमें डालने और डलवाने की बातें तो होती रहेंगी। प्लीज मतीरा। ओए होए, ये है, ये डालने की चीज है। अरे मुझे पता है मतीरा ने ये तस्वीर लाई। अच्छा, जब आप 18 साल के हो जाते हो ना, जब डालते हो सर, ऐसा होता है कि आप नहीं डालते, कोई और डाल के चला जाता है। तू समझा? ओ, आप पहुंचते हो वहां पर, कहते हो अरे आपके बदले का तो कोई और डाल के चले गए। मौल्य का किस्सा याद आ गया। दोस्तों, बेइज्जती सभी की होती है, चाहे आप कितने ही बड़े स्टार क्यों ना बन जाए। यहाँ पर भी किसी ने अमिताभ बच्चन को रोस्ट कर दिया। हेलो, खुर्रम कलम जी, सहारनपुर से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? अमिताभ बच्चन, हम शाहरुख खान बोल रहे हैं। म्यूजिक। इसी तरह यहाँ पर सलमान खान की हालत भी देख लें। वाइफ, वाइफ इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए? बस किससे तो पूछ गया। सारी उम्र कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोस्तों, कभी मैं कभी तुम ड्रामा जो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी फेमस है, इस ड्रामे ने आजकल पाकिस्तानी फैंस को अजाब में डाल रखा है। ये बंदी इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रही है। इसी बात कान खोल के सुन ले, ये कभी मैं कभी तुम के डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर, अगर इस ड्रामे में कोई मरा या शर्जीना या मुस्तफा के बच्चे को कुछ हुआ तो उनको अगले एपिसोड में दोबारा जिंदा करना पड़ जाएगा भाई। शर्जीना की आंखें पहले ही छोटी हैं, उसको रुला के बिल्कुल ही चुनी चुनी आंखें करती है यार उसकी। कोई इस पूरे ड्रामे में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो उसको डॉक्टर के पास टाइम पे लेके जा सके, उससे पूछ सके बहन तुमने खाना खाया है, पानी पिया है, अपनी दवाइयां टाइम पे ली है कि नहीं ली है, क्या मतलब? ऐसा ना करें यार, लोगों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते आप, बस फटाफट इनकी नाराजगी खत्म करवाएं और शर्जीना और मुस्तफा की दोस्ती करवाएं यार। और टेंशनें चल रही है यार ऑलरेडी जिंदगी में, टैक्स इतना ज्यादा है, बिजली का बिल फिर इतना ज्यादा आ जाता है यार, ये ड्रामा अच्छा एंड होना चाहिए, आखिरी उम्मीद है मेरी खुशी की। मैं बता, मैंने घर पहुंच के मैंने अंडे मारने हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर के घर पे अंडे। दोस्तों, इस भाई साहब ने भी ना बोलते हुए सब कुछ बोल दिया। अब जरा ये वीडियो क्लिप भी देख लें। इसी तरह अब पाकिस्तान के सबसे छोटे व्लॉगर शिराज को भी देख लें। पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखकर ये भी शरारती बन गया है। आपने झूठ बोले कह रहे हैं कमेंट पे, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, मैंने ना झूठ नहीं बोला है, ना मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया है, झूठ बोलना तो मैंने खुद ही सीख लिया। शाबाश बेटा,
बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों इस लेजेंड दादी ने तो चाइना के खिलौने को भी कलमा पढ़वा दिया है। सच में सारी दादियां सेम ही होती है। जिगरी दोस्त रिश्वत देकर सरकारी टीचर लग जाए, फिर इसकी हालत कुछ ऐसी ही होती है। ईमेल और जीमेल में क्या फर्क है? ईमेल की अब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बड़ा हरामी हो बेटा। बिजली के जरिए जो भेजी जाती है वो मेल। जीमेल जनरेटर मेल, जब बिजली ना हो तो जनरेटर चलाकर जो मेल भेजी जाती है उसको जीमेल कहते हैं। ये ज्यादातर पाकिस्तान में चलती है। दोस्तों इस भाई साहब का रिश्ता भी होते होते रह गया। इन मौके पर लड़की की माँ टपक पड़ी। Are you guy or girl? I'm confused. क्या आपकी भी सलवार में तलवार है? हेलो, ये बोलने का तरीका है बच्चे? ऐसे नहीं बोलते। आंटी बेटा एक बात सुनिए, आप लड़कियों से कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलना है, ओके? हाँ ठीक है आंटी, नहीं मेरा मुंह गल कर गई, मेरी जबान टूट गई। लो जी दोस्तों, यहाँ पर इस अरबी भाई के साथ भी कुत्ते वाली हो गई है। इसको तो बीवी भी इसके टक्कर की मिली है। दिस इज माई फिफ्थ वाइफ पायल। फिफ्थ वाइफ? यस। ओह हबीबी, थैंक यू। आर यू टेकिंग मी टू दुबई? यस। What are you doing in Hyderabad? I didn't expect. I just came to meet you. Oh. I'm your fifth wife. Yes. You are my tenth husband. इसी तरह कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ये पश्तो न्यूज कास्टर भी बुलेटिन के दौरान अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। मौसम हाल सरा बुलेटिन पाए तरसी नोर खबरों न लपारा ताजो कते शेज मुंग सोशल वेबसाइट अल्लाह। अच्छा। दोस्तों पाकिस्तानियों में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। ये भाई साहब बड़ा होकर आतफ असलम को भी पीछे छोड़ देगा। अब जरा इसका गाना भी सुन लेते हैं। आप इस तरह से होश उड़ाया ना क्या, यूं बन सवर के सामने आया ना कीजिए। गाना गा रहे, खबरें पढ़ रहे भाई। लो जी दोस्तों, इस मिलियन डॉलर एडवाइस को भी सुन लेते हैं। ऐसी एडवाइस सिर्फ शानदार मोबाइल वाले ही दे सकते हैं। लेकिन वो जिस मतलब हर चीज किसी के साथ सूट करता है, मूली है ना, वो पत्तों के साथ ही सूट करती है ना, बगैर मूली के पत्तों के बगैर वैल्यू नहीं है। क्या बोला तूने? सूट करता है मूली है ना, वो पत्तों के साथ ही सूट करती है ना, बगैर मूली के पत्तों के बगैर वैल्यू नहीं है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।